तो ये बात है कल दोपहर की, जब मैं और हमारे दोस्त मिलकर पार्टी कर रहा था, नए साल आने की खुशी मना रहा था, खेसारी के गाने पे ठुमका लगा रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था, खुश था, पूरा जिंदगी का मजे ले रहा था, तभी किसी ने इसका गाना लगा दिया। तो ये सुनकर मेरा कान फट गया। अबे ये कौन गाना लगा दिया, ऐसा कौन गाता है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है और तुम बोल रहे हो इस पे डांस करने। और मेरे मुंह से इतना गाली निकला कि वो बेचारे वहीं निपट गए। तो अगर तुम लोग मेरा चैनल थोड़ा टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग को याद होगा कि मैं इस पे एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पता नहीं कितनी वीडियोस बना दी है मगैया हैवान पे। सॉरी, मगैया जवान पे। एक भोजपुरी का ऐसा कीड़ा है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आइए बहन चोद फार के भेजते हैं कोरोना की तरह। आइए देखते हैं मजा आएगा। राम राम भाई लोग, कैसे हो सारे। देखो हमने 2023 को तो यूं ही बर्बाद कर दिया, तो आओ साले मिलके 2024 को भी बर्बाद करते हैं। सॉरी गाइस, बर्बाद नहीं करना है, कुछ करना है यार जिंदगी में, कुछ उखाड़ना है, बहुत कुछ उखाड़ना है अभी। बस वीडियो तुम लोग देखो और लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके। सब सार लोग का हाल चाल, मतलब जो चिल्ला रहा था, कूद रहा था, उछल रहा था, जीजा जी तो वापस आ गए थोड़े, दीदी से नहीं मिलोगे? अरे कबीर पगला मिलाओ, हम साथ में मिलाएंगे छोटा देवर बनके। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये कुत्ते का पूछ सीधा हो सकता है, लेकिन ये मगैया हैवान का कतई नहीं। तुम इस पे घी लगा के भी सोटोगे ना। मैं पूछ की बातें कर रहा हूँ साले, गलत मत सोचना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हम लोगों ने इस बार पवन जी के साथ सनी लियोन को लेकर के आ रहे हैं, जो सनी लियोन का बर्थडे का गाना करेंगे। पवन सिंह का एक गाना आ रहा है उसके बर्थडे पे, जो 5 करोड़ का होगा। मैं हंस इसलिए रहा हूँ गाइस, क्योंकि अब तुम ही लोग बताओ कि एक पॉर्न स्टार को तुम गाने में नचाओ या बेड पे। सॉरी सॉरी, उसका जो प्राइस बनता वो तो लेगा ही ना, और इस गाने में अलग क्या है, सिर्फ वही सनी लियोन, बाकी सब कुछ तो वही है ना। तो तुम इसे 5 करोड़ क्यों बोल रहे हो? अब तुम एक कोठे वाली को 5 करोड़ दे दोगे और बोलोगे मेरा गाना 5 करोड़ का आ रहा है, तो लोग हंसेगा ही ना। बात तो सही है। और सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे इसको देख के आ रहा है। जमकौला से हुई जी, हाँ लकीर कुछ ऐसा ही खींचेंगे कि उस लकीर पे रेंगना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। ये लोडू साला मुझे कहीं भी दिख जाता है, साला जाहिल गवार, ये इसे लकीर बता रहा है। बस यही लोग के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होता है, और अपने की तरह भोजपुरी इंडस्ट्री को भी भोसड़ी इंडस्ट्री बना रखा है। अरे भाई अच्छी बात है कि पवन सिंह एक कोठे वाली को अपने बीवी बना रहा है, तो आई मीन अपने गाने में नचवा रहा है तो। लेकिन ये मगैया हैवान जिनकी कोई औकात नहीं है, वो इसे लकीर बता रहे हैं। अरे फकीर भाई, तुम खुद फकीर हो और तुम इसे लकीर बता रहे हो। अब तुम ये कोठे वाली को अपने बीवी बना लोगे तो वो लकीर नहीं घरी कोठा बन जाएगा। और पवन सिंह का बर्थडे हो तो शायद इंतजार लोगों को नए साल 1 जनवरी से भी तगड़ा रहता है कि पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरिया चाहने वाले भोजपुरिया श्रोता पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे इधर 4-5 सालों से जरूर इंतजार करते हैं। हाँ, क्योंकि 2024 एक जनवरी को नहीं 5 जनवरी को आता है, क्योंकि उस दिन भोजपुरी के पावर स्टार का जन्मदिन होता है ना, तो लोग 1 जनवरी का नहीं 5 जनवरी का इंतजार करता है। क्योंकि ये तो सभी को पता ना कि बिहार में दारू बंद है, तो लोग इसीलिए इंतजार करते हैं ताकि 5 जनवरी को एक पौआ मार के हैप्पी बर्थडे पवन भैया बोल पाए। गाइस ये भी आपको पता होगा कि जब खेसारी का बर्थडे आता है तो खेसारी नहीं अदर सिंगर उसके बर्थडे पे गाना गाता है, लेकिन जब पवन सिंह का बर्थडे आता है तो अपने बर्थडे पे गाना वो खुद गाता है। अरे भाई इस पे भी कोई गाना गा दो यार, ये भी भोजपुरी का किंग है नाम से। मुर्गा हमर असली रहे और जान तोहर तसली रहे। जी हाँ, मतलब सबका इस नए साल में बत्ती गुल कर दिया, ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। इस बंदे का मुझे कुछ समझ नहीं आता, कभी खेसारी को सपोर्ट करता है तो कभी ट्रोल, अबे किसी एक कथा हो जाओ। लेकिन इसने खेसारी से इंस्पायर होके नए चैनल से गाना लाया था, कट के उजर हो गया। गजब बेइज्जती।
अगर तुम लोग इसका गाना गलती से भी सुन लोगे ना तो मूड का घोसड़ा हो जाएगा। अगर तुम लोग गाइस किसी को मरना हो ना तो जहर खाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका गाना सुनना ऑटोमेटिक मर जाओगे तुम। दिल का तो हरा पड़ जाएगा, मिर्गी उठ के मर जाओगे तुम इसका गाना सुनोगे। इसीलिए मैं यहाँ नहीं चला रहा हूँ कि सारा किसी का मौत ना हो जाए। क्या कर रहे हैं यार, मजाक है क्या? इनका तसली और इनका मुर्गा, बस 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 मन गया नया साल। मैंने का कुकुर मुझ सिंह, आई मीन राजन सिंह कुकुर, खेसारी लाल अपना मुर्गा काट के दे देगा तो आप तो हर नया साल मनिका। नहीं गाइज, मुझे समझ नहीं आता कि इसे खेसारी लाल से दिक्कत क्या है। खेसारी लाल यादव कितना भी अच्छा गाना ला देगा ना, फिर भी इसका पूछ टेढ़े का टेढ़े रहेगा। इसको कुत्ते में जन्म होना चाहिए, ये ससुरा गलती से आदमी में जन्म ले लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर गाइज, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मजा लगा तो लाइक कर देना यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हो तो। और ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, किसी को हेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।